सो हेलो दोस्तों, टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल नंबर चेक करने के बारे में। दोस्तों अगर आप भी एक मोबाइल फोन यूज करते हैं और अपने उस मोबाइल फोन में आप लोग किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस जियो या फिर BSNL के नंबर की सिम कार्ड को यूज करते हैं और ऐसे में आप लोग अपने सिम कार्ड के नंबर को पता करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप लोग किस तरह से अपने सिम कार्ड से अपने मोबाइल नंबर को निकाल पाए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के नंबर को मात्र USSD का यूज करके 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना है और इससे पहले अगर आपने टेलीकॉम इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियोज मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर में सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो के बारे में। अगर आप एक जियो की सिम कार्ड यूज करते हैं तो ऐसे में आप लोगों को अपने नंबर को किसी भी पर्सन को देना होता है या फिर आपको अपने नंबर में रिचार्ज को करवाना होता है तो ऐसे में आपको अपना नंबर जरूर पता होना चाहिए। तो किस तरह से आप लोग अपने जियो के नंबर को निकाल सकते हैं इसके लिए कोई भी USSD कोड नहीं आता है, लेकिन दोस्तों यहां पर जियो कंपनी की तरफ से एक टोल फ्री नंबर आता है जो कि आप लोग टाइप करके आसानी से अपने जियो नंबर को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अपने जियो नंबर को निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के डायलर पैड को ओपन करके वहां पर आपको सिंपल सा टाइप करना है 1299 यानी कि 1299। इसके बाद जैसे ही आप लोग कॉल करेंगे तो आपकी कॉल जो है 1 से 2 सेकंड के लिए रिंग जाएगी और इसके बाद आपकी कॉल जो है ऑटोमेटिक ही कट हो जाएगी। और दोस्तों आपकी कॉल को कट होने के करीब 2 से 3 सेकंड के अंदर आपके फोन में एक कंपनी की तरफ से एक SMS रिसीव हो जाएगा जिस मैसेज में आपका जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको शो हो जाएगा और इसी के साथ आपके प्लान की जो भी वैलिडिटी रहेगी वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एयरटेल के बारे में। अगर आप लोग एयरटेल के नंबर को निकालना चाहते हैं तो किस तरह से आप लोग एयरटेल के नंबर को निकाल सकते हैं। अपने एयरटेल के नंबर को निकालने के लिए सिंपल सा आपको अपने डायलर पैड में टाइप करना है *282 यानी कि 282, इसके बाद हैश। और दोस्तों इसके बाद आप लोग जैसे ही कॉल करते हैं तो आपका जो एयरटेल का मोबाइल नंबर रहेगा वो आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया बी के बारे में। अगर आप लोग बी के यूजर हैं और ऐसे में आप लोग अपने सिम कार्ड से नंबर को पता करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपल सा अपने मोबाइल के डायलर पैड को ओपन करके वहां पर आपको सिंपल सा एक USSD कोड टाइप करना है *199#। और इसके बाद जैसे ही आप लोग कॉल करते हैं तो आपका जो भी बी का मोबाइल नंबर रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं BSNL के बारे में। अगर आप लोग BSNL के सिम कार्ड यूजर हैं और आपको अपना नंबर पता करना है तो इसके लिए आपको सिंपल सा टाइप करना है *222# यानी कि *222 इसके बाद हैश। और इसके बाद आप लोग जैसे ही कॉल करते हैं तो आपका जो भी BSNL का मोबाइल नंबर रहेगा वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर BSNL के नंबर को निकालने के लिए जो भी सेकेंड USSD कोड आता है जो कि आपको टाइप करना है *785 इसके बाद हैश। और जैसे ही आप लोग कॉल करते हैं तो आपके BSNL का जो भी मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको आसानी से आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप लोग आसानी से किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के नंबर को USSD कोड का यूज करके निकाल सकते हैं। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को निकालने के जो भी USSD कोड आते हैं अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली ऐसे ही किसी टेलीकॉम से जुड़ी वीडियो के साथ।